the bell icon. आदित्य रॉय कपूर पिछले कुछ समय से एक हिट फिल्म की तलाश में हैं। उनकी पिछली कई फिल्में फ्लॉप रही हैं, जिसमें मल्टी स्टारर फिल्म कलंक का नाम भी शामिल है। हालांकि उनकी नई फिल्म मलंग के ट्रेलर को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म के म्यूजिक को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस फिल्म में लीड एक्टर की भूमिका निभा रहे आदित्य रॉय कपूर अपनी फिजिकल अपीयरेंस से भी काफी ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं। पिछले कुछ समय से ये खबरें आ रही थी कि आदित्य रॉय कपूर मॉडल दीवा धवन को डेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी अफवाह थी कि आदित्य और धवन इस साल शादी भी करने वाले हैं। हाल ही में आदित्य ने इस मामले में अपनी राय रखी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें लेकर इतनी अफवाहें उड़ रही थी कि उनकी मां ने भी उन्हें फोन करके पूछ लिया कि आखिर माजरा क्या है। इससे पहले उन्होंने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में भी दीवा के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो बहुत अच्छी लड़की है और मेरी पुरानी दोस्त है। हम दोनों की मुलाकात बहुत सालों पहले एक फैशन शो के दौरान हुई थी और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों एक फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वहाँ सब लोग जाते हैं। हमारी मीडिया ने तस्वीरें खींची और कहानी बनानी शुरू कर दी। वहीं आदित्य से जब शादी के प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो चीजों को प्लान नहीं करते और परिस्थितियों के हिसाब से जीते हैं। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो आदित्य रॉय कपूर इस साल कुछ दिलचस्प प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकते हैं। वो अपनी फिल्म मलंग को लेकर तो चर्चा में है ही, लेकिन वो सड़क 2 में भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, आलिया भट्ट और पूजा भट्ट जैसे सितारे नजर आएंगे। इस फिल्म के साथ ही महेश भट्ट लंबे समय के बाद डायरेक्शन में वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म के अलावा उनके पास अनुराग बासु का मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट लूडो भी है। अगर आपको बॉलीवुड की और बड़ी खबरें जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।